हजारों साल पहले भारतवर्ष के एक छोटे से गांव अंजनाद्री में, ओह क्या खूबसूरती थी, ब्यूटीफुल ट्रीज, खूबसूरत जंगल, जंगली जानवर, नदियां, पानी, पंछी एंड अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी ऑफ वेरी इनोसेंट पीपल। लेकिन वो लोग बहुत भोले तो थे, साथ में सताए हुए भी थे। उन्हीं के बीच में से एक शख्स जो एक आम आदमी था, उसके अंदर खास क्वालिटीज आ गईं एंड ही बिकेम इंडियाज ओन सुपर हीरो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हनुमान, आल्सो कॉल्ड एज हनुमान, ब्रह्मांड का पहला इंडियन सुपर हीरो। एंड गेस व्हाट, तेजा सज्जा, who is India's new superhero, is here. Hi. Hi, hi, hi. You made it look even more beautiful, the world of Anjanadri. This world is so beautiful. But you know, हमारे दर्शकों के लिए तेजा, सबसे पहले thank you for flying down from Hyderabad to Mumbai. Like always, time के पक्के. 11 means 11. मुंबई में हम लोगों का आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है. I'm just getting used to it. Next time I'll come late for sure. Jokes apart, for all the love that we have received from the Hindi audience, ये प्यार के लिए मैंने वहाँ से यहाँ तक आ गया। खुशामदीद, स्वागतम and welcome. And before we move forward in this conversation, अरे सबसे पहले एक बार ट्रेलर फिर से हो जाए, so watch it. पावर सिर्फ सूट में हो, ये काफी नहीं है। ताकत तो मेरी रक्त में खुलकर नसों में दौड़नी चाहिए। ऐसी ताकत कहीं तो होगी। यतो धर्मस्ततो हनुमान, यतो हनुमानस्ततो जयः। अगर मुझे ये शक्ति नहीं मिली तो पूरे ब्रह्मांड में कहर मचा दूंगा। आ रहा है ब्रह्मांड का पहला सुपर हीरो, वर्ल्ड प्रीमियर हनुमान, आज रात 8 बजे कलर्स सिनेप्लेक्स और जियो सिनेमा पर। देखा आपने ये ट्रेलर, ओह माय गॉड। तेजा, हाँ मैम, कैसा लग रहा है आपको इंडिया का नया सुपर हीरो बनके? बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स। व्हाट इज योर सुपर पावर राइट नाउ, हाउ डू यू फील? आपको ब्रह्मांड पे विजय हासिल करनी हो तो पहला काम क्या करेंगे आप? पहले भी मुझे यही सवाल पूछा गया था, और ऑन अ सीरियस नोट, इफ आई हैव अ सुपर पावर, आई वुड मेक ऑल द रेप्स स्टॉप्ड इन इंडिया, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। या That is the superpower that I would like to have. Yeah. बिल्कुल, बिल्कुल. Because you're playing such a beautiful character, किसी भी मर्द में, पुरुष में, ये जब क्वालिटी आ जाती है ना कि वो औरतों के बारे में सोचता है, तभी वो पुरुषोत्तम बनता है। सही बोला आपने। सही कहा ना? So तेजा, जब मैंने, by the way, मैंने इस मूवी को ऑलरेडी दो बार देख लिया है, और दो ढाई, कितनी लंबी मूवी है ये? जस्ट टेलिंग अगेन, 2 hours 35 minutes. आई किड यू नॉट, एक एक मिनट, इट्स लाइक सो स्टिकी कि आप उस मूवी को छोड़ नहीं सकते, कुछ और कर नहीं सकते। विजुअली इट्स एंगेजिंग, द ऑडियो इज एंगेजिंग, एवरीथिंग इज सो एंगेजिंग। माय गॉड, आई थॉट आई एम वाचिंग राजामौली। हम सबको राजामौली सर बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। उन्होंने हमारे लिए ये रास्ता बनाया है, हैदराबाद से बॉम्बे तक, बॉम्बे से चाइना तक, ये रोड है हमारे सामने, ऑस्कर तक, ऑस्कर तक ये रोड है। अभी हमने नॉर्थ इंडिया और पूरा इंडिया के पास पहुंचा गया, एंड द नेक्स्ट फेज विल बी रिलीजिंग द फिल्म इन चाइना, जापान एंड कोरिया फॉर श्योर। दैट्स द प्लान। बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, एंड ऑल इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हो चुका है, लेकिन सेकेंड फेज में हमने चाइना, जापान और कोरिया लेकर जाना है। So, China, brace yourself. For our Indian superhero from our itihasas. From our itihasas. Wow, Teja. And by the way, just if you're wondering ki hum log bina shoes, sandals, chappals ke kyun baithe hain, you know why, right? Yeah. Would you like to talk about that?
हमने हमारा पूरा कैंपेन हमारे पीछे हनुमान है और वी स्ट्रांगली बिलीव दैट वॉट एवर वी हैव डन फॉर दिस फिल्म वी स्ट्रांगली बिलीव दैट द गॉड इज ड्राइविंग अस एंड ही इज राइट हियर विद अस सो दैट इज व्हाई वी डिडंट वांट टू वेयर आवर स्लिपर्स और एनीथिंग व्हाइल वी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पोस्टर्स ऑफ दिस फिल्म सो तेजा The producers called it Hanuman और promotional videos में भी आप बार बार इसको Hanuman कहते हैं which is like a wow way of presenting our own hero and superhero. तो आप क्या चाहते हैं कि लोग इस title को क्या पुकारें? बड़ों के लिए Hanuman, छोटे बच्चों के लिए Hanuman. Yeah, nice. To make kids of this age, the Gen Z kids, उनके लिए ऐसा किया हमने. They know all about Thanos, but they don't know much about our own. No, but after Hanuman, हमने बहुत खुशी लग रही है कि USA में हमारा Indian kids जाकर they're telling the foreign kids that हमारा एक superhero है, वो हमारा इतिहास में है और हमारा superhero असली में है. Actually, it is not a It's not an art of imagination. Right, it's not fiction. Right. It is. I think all the other superheroes are imagined and they are they have drawn inspiration from our gods. You're absolutely right. Yeah. इस फिल्म में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है. एक चीज़ है money. So ये जो money का idea है, ये कैसे आया? I mean, you would have had a talk with the writers and the directors कि ये money के बारे में कुछ बताइए. I think I'll be giving away the story too much for audience who haven't watched the film yet or who's waiting to watch this film on 16th of March. But जो हनुमान जी का blood से बना हुआ है ये money हजारों साल से ये इंतजार कर रहे हैं for the rightful person. So this money reaches the person who follows dharma and that is Hanumantu for you he is innocent he is fighting for dharma he is a soul who wants to help others so that is why the money has reached him wow what a beautiful story I mean the way you have reached the concept of money is so intelligent wow and he is not pursuing the money comes to him because it comes to the righteous man correct jo sahi purush hai jo sahi insaan hai wow you know teja film dekhne mein itni grand lag rahi hai matlab I don't want to know kitne budget pe aapne banayi hai but what we see is a mammoth 100 crore 200 crore production it is so beautifully set would you like to talk about the scale of the movie jab maine ye movie dekhi mujhe laga isko 4-5 saal तो लगे होंगे पक्का और 300-400 crore तो गए होंगे प्रोडक्शन में सो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट कितने दिन में शूट हुई आपकी लाइफ के कितने साल कितना टाइम उसमें गया एंड हाउ मेनी प्लेसेस डिड यू शूट लाइक दैट दिस वाज अ वेरी वेरी एम्बिशियस अटेम्प्ट दैट वी हैव डन ऑन पेपर वी डिडंट इवन नो हाउ टू मेक इट पॉसिबल बट ओनली थिंग दैट वी हैड वाज इमेंस पैशन कॉन्फिडेंस एंड डेफिनेटली देयर वाज वन divine force that was driving us through the process. 3 saal to lag gaye. 3 saal, haan? Haan, 3 saal to lag gaye. Maine sirf ek hi film kiya, ye 3 saal mein. Back in Tollywood, in Telugu films, young actors usually do 2 to 3 films per year. Probably I might have avoided making 7 to 9 films at least. Yeah. At least in these 3 years, but it was all worth it at the end of it. In terms of budget, the film is being compared to very very big films with respect to the visuals but we have made this film in 1/10th of the budget of what you are comparing with wow so that small the budget was but hamara intention bahut bada tha yeah that's so nice mujhe aisa lag raha hai jaise ek aur Rajamouli aur ek aur Prabhas create ho rahe hain solely based on the intention to excel correct kaam aisa karo ki matlab kai saalon tak aapke kaam ki baat ho aur tareef ho और इससे वो होने वाला है बाय द वे 350 crore तो हो चुके हैं रिलीज के एक दो हफ्ते के अंदर ही अभी क्या 350 crore बजट लगाने में नहीं हुआ कलेक्शन करने में हो गया एंड इट्स ओनली राइजिंग आई मीन व्हाइल वी टॉक वी आर गेटिंग द फिगर्स कि वो और ऐड होता जा रहा है और ऐड होता जा रहा है आई थिंक ये पहला बार है कई साल में 61st डे भी फुल्स हो रहे फिल्म और आई एम सुपर हैप्पी टू सी an Indian film performing so well in United States also. Film has collected more than 6 million something, right next to the original superhero films that they consider to be. So I'm very happy that way. By the way, after this conversation, Jio Cinema pe aap is movie ko kabhi bhi dekh sakte hain. Isme romance hai, isme action hai, itna drama hai, villain hai,
हीरो है, मणि है, सब कुछ जंगली जानवर है. आई गॉट टू सी द टाइगर्स एंड यू नो ऑल द वाइल्ड एनिमल्स. राइट. सो इट्स अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ एंटरटेनमेंट. राइट. वो सब आपने मेंशन किया ना, इट वाजंट इंटेंशनल टू हैव एवरीथिंग इन वन फिल्म. इट वाजंट इंटेंशनल. अच्छा. या वी जस्ट वेंट अहेड इन मेकिंग एन ऑर्गेनिक story, an organic story about a young boy. That is all we have done. इस movie में भाई बहन का एक बहुत प्यारा track है. मतलब आपकी बहन जो है वो आपसे ज़्यादा strong hero नज़र आती है मुझे. और एक scene में तो बहन का जो शस्त्र होता है, because it's a forest, वो नारियल की जो एक कड़ी होती है. I was surprised that बहुत सारे लोग north audience में वो आपने बोला ना जो सिस्टर बहन ने फाइट करने का सीन है वो देखकर वी वर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर पुटिंग दैट शॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. वी डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई. देन दे वर सेइंग दैट इट इज वेरी रेयर दैट वी सी दैट यू प्रोजेक्ट द हीरो हीरो एज अ एज एन अंडरडॉग और सिस्टर फाइटिंग फॉर द हीरो. बट दिस हैज बीन देयर इन साउथ फिल्म्स फ्रॉम स्टार्टिंग. सिस्टर कहती है दुर्गा माँ की कसम मेरे भाई को किसी ने हाथ लगाया तो सर धड़ से अलग. And you should have seen the response in the Telugu states, or I'm sure in North India also. They were all whistles. The theaters were going up and down for the sisters' dialogues. And और वो भी शादी के मंडप में. मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी. हाँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ. वो आपको मूवी में देखना है. इस मौके पे तेजा बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. And I can see a lot of questions there. Can we take a couple of questions? Sure. So guys, thank you so much. You are joining in. Oh my God. Big following, तेजा, big following. हिंदी में आपके बड़े फैंस हैं तेजा. ये पिक्चर हिंदी में आप जियो सिनेमा पे देख सकते हैं. और दिलचस्प बात ये है, जैसे हनुमान जी कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं, वैसे ही हमारे दर्शक इस फिल्म को कभी भी कहीं भी जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं. सो आई विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. रघु पूछते हैं आपसे तेजा कि इस फिल्म को फिल्माने में कोई एक दिन ऐसा बताइए जब आपको बहुत मजा आया. बहुत मुश्किल है वो तो बता सकते हो, बहुत सारे हैं. आई थिंक द डे ऑफ द रिलीज. बहुत मजा आया. 3 साल के बाद. 3 साल के बाद. अच्छा, तो आपने मूवी अपने फैंस के साथ बैठ के देखी किसी हॉल में? ओह, क्या हुआ? टेल मी. It was really, really great. Like a biggest stars films release, it was like that. The film premiered on a weekday. There was about 10,000, 11,000 crowd happening in one single theater. And it was really great. Wow. And this had record premieres across Telugu states. Yeah. We had about 900 premieres, which never happened before for a Telugu film. Oh my God. We first opened for 5 premieres. All of them were sold. Then 20. All of them were sold, then 100. Like that, we went up to 1,000 premieres. Oh, wow. Yeah, yeah. आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए. नेक्स्ट यूजर आपसे पूछ रही है, तेजा, आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? मैंने तेलुगु सिनेमा, हिंदी सिनेमा ये देखकर बड़ा हुआ. ज्यादा तक इंग्लिश फिल्म्स, वेस्टर्न, फॉरेन फिल्म्स नहीं देखा. हमारा हीरो सुपर हीरोज है. हमारा सलमान खान सर सुपर हीरो है. हमारा चिरंजीवी सर सुपर हीरो है. हाँ, दे कैन लिफ्ट द कार्स, दे कैन फाइट एनीबडी. सो दीज आर माय इंस्पिरेशन. दीज आर द सुपर हीरोज. दैट इज, देयर इज अ जोक अबाउट दिस इन द फिल्म. देयर इज अ ट्रिविया अबाउट दिस इन द फिल्म. सो यू हैव टू वॉच इट ऑन जियो सिनेमा टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. या बाय द वे, जो आपका जो फ्रेंड बने हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ द एक्टर? हिज नेम इज गेटअप सीनू. He is known for his get-ups. So if you आप बाहर कहीं देखे तो उन्हें आप पहचान नहीं पाएंगे. He is very stylish, stylish person. He's a very good looking, like a very handsome boy. Right, he is. But इसमें इनका जो get-up है वो ना comedian type का है. Puts in all the comedy, but I tell you all the जितने भी jokes हैं ना, they land so well. हंसी आती है, मजा आता है. They are well-written jokes. क्योंकि हमने we had lot of fun while shooting. I think that has translated into the film. Yeah. आपकी रियल में भी दोस्ती है? हाँ हाँ हाँ. है ना? Yeah. With everybody, all the artists in the film, we were friends from way back. हाँ. अच्छा, ये यूजर आपसे ये जानना चाहती हैं कि कोई एक डायलॉग फिल्म का जो तेलुगु में है वो बोल के दिखाइए और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बता दीजिए. जय श्री राम. जय श्री राम. ओके, जोक्स अपार्ट, दिस डायलॉग, this is my favorite dialogue, not mine. My sister's dialogue in the film. She says, "Arey Hanumantu, Anjay gora manlaga maul manchera, kani prajalakosam poradake devudga maredu." This means Hanumanji bhi hamare jaise
मामूल आदमी है, लेकिन जब ने हनुमान जी अच्छाई के लिए फाइट किया तभी उन्होंने भगवान बन गया. करेक्ट. इट्स अ ब्यूटीफुल डायलॉग एंड यू हैव टू वॉच दैट सीन इन द फिल्म. तेजा, एक दिलचस्प बात मुझे ये लगती है. सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिंदी, द हिंदी यूनिवर्स, लेकिन मैंने शूट सबके साथ किया है. कमल हसन गारू के साथ शूट किया है, वेंकटेश जी के साथ शूट किया है, सुदीप गारू के साथ शूट किया है, नागार्जुन, दुलकर सलमान. सब लोग अपनी भाषा के लिए ना बहुत प्राउड फील करते हैं. इनफैक्ट हिंदी में ना अक्सर लोग बोलते हैं कन्नड़, बोल देते हैं से कन्नड़. हाँ. तो सुदीप गारू डोंट से दैट. हम लोग हिंदी को हिंदी बोलता है क्या? हाँ. तो हिंदी लोग क्यों ऐसे बोलता है? सो आई, मुझे वो दिखता है कि रीजनल सिनेमा के जो सुपरस्टार्स हैं वो एक तो ये कि देयर इज नो सच थिंग, ऐसा कुछ नहीं है रीजनल हिंदी मेनस्ट्रीम कुछ नहीं है. करेक्ट. सारे भाषाएं, सारा सिनेमा एक बराबर. करेक्ट. है. और दूसरा, कितना अच्छा काम तेलुगु सिनेमा, तमिल सिनेमा, मलयालम सिनेमा में हो रहा है. आई फील सो प्राउड. और बहुत सारी मूवीज तो मैंने जियो सिनेमा पे ही देखी. देयर इज दिस पैशन फॉर योर लैंग्वेज दैट यू हैव. तो भाई थोड़ा तो पैशन हमारे अंदर भी है. हमारा मातृभाषा पर हमको बहुत गर्व होता है. हाँ. लेकिन हमने और अदर भाषाओं को भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं. हमको भी अपनी मातृभाषा पे बहुत ही गर्व फील होता है. तो कुछ हिंदी आइकॉनिक डायलॉग्स जो हैं उसको आप तेलुगु में बोल के दिखाइए. श्योर. तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है हिंदी सिनेमा की, मुगले आजम. ऑफ कोर्स. उसमें पृथ्वीराज कपूर बोलते हैं कि सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे. तेलुगु. सलीम ने निन्नु चावने वनु, अनारकली ने निन्नु बतकने वनु. वाह, क्या ड्रामेटिक इम्पैक्ट था. ओके, एक और डायलॉग है, चलो शाहरुख खान की पिक्चर. हाँ, हाँ. कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी. इदे तो जरुगुतुंदि अंजलि, नीक अर्थं काटलेदु. ओके, अमिताभ बच्चन सेज टू धर्मेंद्र शोले फिल्म में, बहुत प्यारा नहीं बहुत सारा बोलती है. चाला प्रेमगा कादु चाला एक्कुव माट्लाडतावु. वाओ, थैंक यू हमें तेलुगु सिखाने के लिए. मुझे लगता है जैसे तेलुगु सिनेमा तेजी से हमारे दिल पे काबिज हो रहा है, राज कर रहा है, हमको तेलुगु सीखनी पड़ेगी बस. आई थिंक थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द रेस्पेक्ट आपने तेलुगु सिनेमा पर और तेलुगु भाषा पर, सभी ऑल द साउथ लैंग्वेजेस पर नॉर्थ ऑडियंस या पूरा हिंदी ऑडियंस दिखा रहे आजकल. थैंक यू एवरीबडी फॉर दैट. एंड देयर इज, आई थिंक there are no more language barriers. Yeah. हम सब एक है, one nation, one film industry, Indian film industry. Yeah. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारा सलार. सलार का प्रभास सर हमारा तेलुगु स्टेट से आया है. डायरेक्टर कनाडा स्टेट से आया है और पृथ्वीराज सर केम फ्रॉम मलयालम स्टेट. सो दिस इज एंड इट डिड वंडर्स इन हिंदी. सो दिस इज द एग्जाम्पल दैट इट्स वन नेशन वन फिल्म इंडस्ट्री. एंड for an outsider like me, I'm even an outsider telugu films mein bhi. mera abhi abhi career shuruaat hua hai. mera ye 5th film hai. mujhe itna pyar hindi audience dikhaya wo sirf content ke liye. so us sab ke liye bahut bahut dhanyawad. yeah. dekho ek kitni pyari प्यारा एक गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा. कौन सी ऐसी कंट्री होगी जिसमें 20 से ज्यादा भाषाएं हैं, 20 से ज्यादा स्टेट्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि ये डायलॉग का नाम बताऊंगी और आप बताइए डायलॉग किस एक्टर का है. फ्रॉम हिंदी सिनेमा, फ्रॉम अलग अलग. इट्स अ मिक्स्ड बैग. कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी. शाहरुख सर. You have your so, एक छोटा सा coincidence है. मेरा एक डांस मास्टर है, डांस कोरियोग्राफर तेलुगु फिल्म्स में. उन्होंने इस फिल्म में भी सारा सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किया. तो मेरा पहला फिल्म से मेरा हीरो का पहला जब ने मैं शुरुआत किया हीरो कैरेक्टर्स उस फिल्म से एटलीस्ट वन सॉन्ग ही डिड इन एवरी फिल्म इस कोरियोग्राफर ने. सो आफ्टर हनुमान उन्होंने एक कोलाज वीडियो बनाया मेरा अलग अलग फिल्म से. ही मेड अ शाहरुख सर सिग्नेचर स्टेप, ही मेड मी डू इट इन ऑल द फिल्म्स एंड आई डिडंट नोटिस. या आई वाज डूइंग दिस. सो ही मेड अ वीडियो आउट ऑफ इट फ्रॉम एवरी फिल्म एंड इवन इन दिस फिल्म इन द लव सॉन्ग इट इज देयर एंड इट्स बिकम अ ह्यूज ह्यूज हिट
the love song. You do Shahrukh Khan song? Yeah, yeah, yeah. I didn't notice that I've been doing it. Okay, I didn't imitate him. Yeah. But he was just showing me and I was doing it off in montage songs and everything. But lekin jab unhone ek collage video sare pictures ka ek banakar mujhe diya, then I realized. Yeah. You saw the pattern. Huh? Yeah, I saw the pattern. Yeah. There is some karmic connection between you and Shahrukh. Agli picture mein aap ho sakte hain. I hope. And now there is this one iconic dialogue called friendship mein no sorry no thank you. This is there in Telugu also. This is there in many languages. You tell me almost the same superstar. Okay, give me a clue. So this boy is supposed to be this superstar of Hindi cinema and he does this. Salman sir. No, because the same dialogue yehi dialogue Telugu picture room mein bhi hai. Really? Yeah, yeah. Friendship mein no sorry, no thank you. Which movie? Kahan? Many films. From my childhood, in multiple films, ye dialogue tha. Dekho, matlab hum jis cheez ki exclusivity pe 20 saal se itra rahe hain, wo sare cinema mein maujood hai wo dialogue. Wow. Acha, ek aur dialogue hai. Handle with care, I'm fragile, yaar. Ranveer sir, I love him. You have similar personalities. No, not at all. I'm a very... flamboyant? No, not at all. I'm a very shy person. Just because I came to Bombay, ye pehna tha. Lekin, I'm a very simple person, but I love him a lot. I've met him a couple of times. That's a great vibe. Bahut energy. Bahut pyar bhi dete. Yeah. Wo seedhe aap कोने में कोई पसंद आएगा उनको वो सीधे जाके उनसे बात करते हैं किसी को गले लगा लेंगे वो कोने में मैं था आपकी बात हुई मुलाकात हुई या फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम या अरे वाह क्या बात हुई आई विल कीप दैट फॉर द लेटर ओके देयर इज अनदर डायलॉग कॉल्ड उठा ले रे देवा इट इज फ्रॉम द मूवी हेरा फेरी परेश रावल सर राइट करेक्ट नेक्स्ट डायलॉग इज ब्रो आई डोंट केयर I know the answer, but that is not how you have to be saying that. Then cut the Okay, there's a different swag to it. You have to imitate me. Okay. Haan, okay. Bro. I don't care. That's Balkrishna sir's dialogue from Bhagwant Kesari. Yaar, kya swag hota hai? Right. And the last is झुकेगा नहीं साला. There's an ode for him in our film. If you have seen, yes, you do that. Yeah. क्या है? Yeah, I do that. But there's a lot of respect for all of us for Allu Arjun sir. I've been part of his first film, so I was the child artist for him in his first film. I was playing his younger self. Yeah. उधर भी इतिहास है और इधर भी इतिहास है. So, internet कहता है कि तेजा सज्जा 28 साल के हैं. 28 is 28, right? 28 हाँ. I'm 28. No, I'm not faking anything. I have my IDs with you. I'll give you 28 means 28, yeah, 28. Okay. And the internet says कि मोटा मोटा 30 से 35 फिल्में इन्होंने की हैं. But how many films? Bro? No, the internet was wrong with respect to the number of films, not with respect to my age, okay? Yeah. I've done about more than 55-56 films until now. 2.5 years tha, jab mera pehla picture, first picture banaya. Ah. I won the State Nandi Award, Filmfare Award when I was a child. Really? Yeah, I did. State Nandi Award? Yeah. Aur phir, to pehli aapki movie aayi jab aap 2.5-3 saal ke the. Aur phir? And then I continued doing about 50 films in a span of 10 years. So, bachpan mein bhi aapne bahut sari movies kari. Yeah. I was the child artist for Chiranjeevi sir, Venkatesh sir, Nagarjuna sir, Allu Arjun sir, Mahesh Babu sir. Yeah. From there comes the star. That's why you're so polished. Wow. Yeah. So, in all, how many years of filming now? वो एक फनी ट्रिविया मैंने पोस्ट भी किया फॉर मेरा 25th एनिवर्सरी मेरा पहला पिक्चर का 25th एनिवर्सरी था मैंने पोस्ट किया आई एम 25 इयर्स इन द इंडस्ट्री एंड आई एम 28 आपके पेरेंट्स में कोई फिल्म नहीं नोबडी इट वाज जस्ट डेस्टिनी कहीं पर गुणशेखर सर ने देखा है गुणशेखर सर रानी रुद्रमा देवी का डायरेक्टर है ओके उन्होंने मुझे देखा है मेरा कजिन लेकर गया I was a baby, so वैसा मुझे role offer किया और वो चिरंजीवी सर का picture था इसलिए मेरा parents allow किया first film के लिए कुछ तो personal connect है आपका उनसे नहीं मेरा पहला picture चिरंजीवी सर से काम किया और उसके बाद भी
मैंने 4-5 फिल्म चिरंजीवी सर से काम किया है. हाँ, और लिविंग दैट असाइड, एनी टाइम इफ ही सीज समबडी सम आउटसाइडर कमिंग इनटू द फिल्म इंडस्ट्री और समबडी ट्राइंग टू डू समथिंग एम्बिशियस, चिरंजीवी सर एक पहला आदमी रहता है एंकरेज करने के लिए. चलो फिर चले. दैट्स सो गुड ना. या या, ही इज. हमारे बच्चन साहब से मिलिए आप, आपको बड़ी खुशी होगी. आई विश आई हैव कवर्ड द साउथ मेगास्टार, नाउ आई वांट टू मीट द नॉर्थ मेगास्टार, ऑल इंडिया मेगास्टार. ऑल इंडिया मेगास्टार. तेजा, फर्स्ट शॉट जो है ना फिल्म का, उसमें बड़ा बड़ा आता है प्रशांत वर्मा, सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म. प्रशांत की बात करते हैं. प्रशांत आपके डायरेक्टर हैं, 3 साल आपके और प्रशांत के दोनों की फिल्में गए. आपके सुना दोस्त भी हैं, कमराडरी भी अच्छी है. कुछ बताइए अपने रिलेशनशिप के बारे में. प्रशांत सर का पहला पिक्चर में भी मैं हीरो था, जॉम्बी रेड्डी. जॉम्बी रेड्डी, सो इट मेक्स जॉम्बी. यू वर अ जॉम्बी. आई एम नॉट अ जॉम्बी, आई वाज फाइटिंग जॉम्बी. यू वर द हीरो हु वाज किलिंग ऑल द जॉम्बीज. या आई वाज फाइटिंग जॉम्बीज, सो दैट वाज पहला जॉम्बी पिक्चर था तेलुगु फिल्म्स. तेलुगु फिल्म्स में टेक्निकली इट मेक्स 2 फिल्म्स बैक टू बैक फॉर प्रशांत सर विद मी. सो एक बहुत बहुत एम्बिशियस पर्सन है प्रशांत सर. And he gets what he wants. He will not leave you until he gets what he wants. Prashant sir ko अच्छा तरीके से पता है मैं कहाँ एक्सेल हो सकता. और उन्होंने इस कैरेक्टर को ऐसा डिजाइन किया कि एक अंडरडॉग ने सुपर हीरो बना. While we speak of Prashant Verma, प्रशांत हमारे साथ है. और ये प्रशांत ने एक वीडियो, एक्चुअली साथ नहीं है. ओके, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज लुकिंग फॉर, काश ऐसा होता. प्रशांत ने ये वीडियो मैसेज आपके लिए और तेजा के लिए भेजा है, सो लिसन इन. नमस्ते, दिस इज प्रशांत वर्मा, डायरेक्टर ऑफ द फिल्म हनुमान. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट वी हैव रिसीव्ड व्हेन द फिल्म वाज रिलीज्ड इन थिएटर्स एंड नाउ द फिल्म इज डायरेक्टली कमिंग टू योर होम्स. प्लीज डू वॉच द फिल्म एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ सपोर्ट एंड लव. Please watch it on Jio Cinema and Colors Cineplex on March 16th, 8 PM. Thank you. As always, man of few words. Huh? Why is he a man of few words? The answer is out there. He has done... Man of action. Yeah, yeah. He has shown what he is capable of. Yeah. Thank you so much, Prashant Verma. Lot of love, lot of hugs for you and lot of respect for you, because we had so needed our own superhero film, you know. Achha, abhi... लोगों का पेशेंस लेवल कम हो रहा है, लोग अपने सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं. आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन. थैंक यू सो मच. सो हियर इट गोज, आई कैन सी देम हियर व्हाइल आई टॉक टू यू. आपकी एक प्रशंसिका फीमेल फैन कह रही है आपसे, कैन यू गिव मी अ हार्ट, हार्ट इमोजी. हार्ट इमोजी, शी इज वॉचिंग यू राइट नाउ. सो हार्ट. That's for her. Hanuman ji, this is... Yeah. The number of female following that I see, what is your marital relationship status? I'm not asking, ye puchna hai bhai. I'm single, single and single, yeah. Ek aur kisi ka sawal hai. Aapko kisi bhi ladki mein kya cheezein bahut achhi rakhti hain? I think respect for elders. Right. ये पूछते हैं आपसे, आपका चिरंजीवी से रिश्ता क्या है? I've done about 4-5 films with चिरंजीवी सर and I'm a very very big fan of his and मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है चाइल्डहुड से. और ये आपसे पूछना चाहते हैं, आप किस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं? शाहरुख सर, रणवीर सर, देयर आर मेनी. ये आपसे पूछते हैं कि एक्शन या रोमांस, कौन सा जॉनर आपको ज्यादा पसंद है? एक्शन. एक्शन, एक्शन इज वेरी फन फॉर मी टू परफॉर्म. ये आपसे पूछना चाहती हैं कि इस फ्रेंचाइज, क्या ये एक फ्रेंचाइज है, सिर्फ एक स्टैंड अलोन फिल्म नहीं? ऑफ कोर्स दिस इज अ फ्रेंचाइज थिंग. प्रशांत सर इज प्लानिंग मेनी मेनी फिल्म्स इन पीवीसीयू गोइंग फॉरवर्ड. भाई ये तो सब जानना चाहते हैं, इस फिल्म में एक अंडर वाटर सीक्वेंस है जो फिल्म की जान है. एंड अपेरेंटली आपने स्कूबा डाइविंग वगैरह. मैंने जान लगा दिया. वही पूछना चाह रहे हैं ये कि उस सीन के बारे में बताइए, आपका एक्सपीरियंस और आपकी तैयारी क्या थी? वो अंडर वाटर सीक्वेंस को VFX भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगाना पड़ता है और इसलिए हम लाइव एक्शन शूट करने के लिए सोच लिया. लाइव एक्शन शूट करने के लिए मुझे 25-30 फीट डेप्थ में शूट करना था. मैं स्कूबा भी सीख लिया
ये अंडर वाटर सीक्वेंस करने के लिए और एक दिन में हम कंप्लीट कर लिया, बट बहुत रिस्की था लेकिन इट वाज फन. सो एज ऑलवेज प्लीज आप याद रखिएगा भाई, इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत बातचीत हुई है क्यों, सो दैट यू वॉच दिस ब्यूटिफुल मूवी जियो सिनेमा पर, हनुमान हनुमान आप इसको जो भी बुलाएं. कब? आज रात 8 बजे से. यस, और उसके बाद कभी भी जियो सिनेमा ऐप कहीं भी कभी भी लाइक हनुमान जी यू कैन वॉच दिस वन बिकॉज इट विल बी देयर एट योर बेक एंड कॉल एट द क्लिक ऑफ अ बटन. अमेजिंग, थैंक यू सो मच तेजा सज्जा, बहुत मजा आया. ग्रेट, ऑल द बेस्ट एंड आई विश योर नेक्स्ट फिल्म, एक्चुअली यही होगी नेक्स्ट फिल्म, दिस समथिंग एल्स वी आर ब्रिंगिंग इन बिटवीन या दिस सीरीज, या ऑल द बेस्ट फॉर दिस दैट and everything in life. Thank you, man. Thanks a lot. Thanks. Thank you.